राहगीरां वल्लों इस चौंक दे उत्ते अणपछाती लाश दी सी। तां उस तों बाद जाके पूरे इलाके दे विच सनसनी फैल जांदी है, लोकां दे विच डर दा माहौल बन जांदा है कि इस चौंक दे उत्ते जो मेन चौंक है जिथे कि हज़ारे वहीकल रोज़ आ रहे हैं, तो उस चौंक दे उत्ते इस तरीके की अणपछाती लाश मिलनी, तो कई तरह के सवाल लोगों के दिलों में। राहगीरां वल्लों इसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस ने दी गई, तो मौके पर तैनात दी पुलिस जी मौके टीम पहुँचदियां ने, लाश को कब्जे में लिया जाता है। तो उतों के दुकानदार के नाल आटो ड्राइवर तो होर कई लोगों तो पूछगिछ की जाती है कि इस व्यक्ति को इस जगह के उत्ते कित घूमता वेख्या होए जां कोई पछाण होवे। चंडीगढ़ पंजाब का बॉर्डर मुलापुर बैरीयर चौंक जिथे कि हज़ार ही वहीकल रोज़ उस जगह के उत्तों निकलते हैं, मेन चौंक है, क्योंकि जो भी चंडीगढ़ तो न्यू चंडीगढ़ के एंटर होना हो, पंजाब के एंटर होना हो, तो लास्ट चौंक चंडीगढ़ का ही मनिया जाता है। तो इस तो बाद जो भी पंजाब तो किसी ने भी चंडीगढ़ आना है तो यह चौंक क्रॉस करके चंडीगढ़ पहुँचा जा सकता है। तो उस तो बाद दस दें कि चौंक मशहूर भी है, इस जगह के उत्ते कई धरने प्रदर्शन भी लगते रहे हैं, तो इस जगह के उत्ते छोटी मिनी मार्केट भी है, जिसनों लैके अज राहगीरां वल्लों इस चौंक के उत्ते अणपछाती लाश दिसी है। तो उस तो बाद जाके पूरे इलाके के सनसनी फैल जाती है, लोगों के डर का माहौल बन जाता है कि इस चौंक के उत्ते जो मेन चौंक है जिथे कि हज़ारे वहीकल रोज़ आ रहे हैं, तो उस चौंक के उत्ते इस तरीके की अणपछाती लाश मिलनी, तो कई तरह के सवाल लोगों के दिलों में। तो इसको लेकर जो मौके पर राहगीरां वल्लों इसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस ने दी गई, तो मौके पर तैनात की पुलिस जी मौके टीम पहुँचदियां ने, लाश को कब्जे में लिया जाता है। तो उतों के दुकानदार के नाल आटो ड्राइवर तो होर कई लोगों तो पूछगिछ की जाती है कि इस व्यक्ति को इस जगह के उत्ते कित घूमता वेख्या होए जां कोई पछाण होवे। पर कई लोगों वालों कहा गया कि कई बार इसनों देखा भी है, पर कई लोगों वालों कहा कि कदे नहीं देखा। पर पुलिस कई पास कई एंगलों तो जी छानबीन कर रही है कि एक कतल है या फिर कोई इस तरीके की मौत। पर लगातार जिहड़ा इस तरीके का दहशत का माहौल बनया, क्योंकि मेन चौंक होवे, मेन ट्रैफिक उस जगह के उत्ते जा रही है, मार्केट भी नेड़े है, आटो ड्राइवर जिहड़े उस जगह के उत्ते खड़े रहिंदे ने, पर इस तरीके की लाश मिलने के नाल लोगों के विच डर दा जरूर बन गया, क्योंकि बॉर्डर एरिया मनिया जाता है पंजाब ते चंडीगढ़ का मेन चौंक है, क्योंकि जे जे चौंक तो दूजे पासे क्रॉस करिए तो पंजाब है, तो पंजाब तो दूजे पासे चंडीगढ़ है, तो दोनों पासे की पुलिस इस बॉर्डर के उत्ते खड़ी रहती है। पर जिहड़ी लाश मिलन दे नाल लोगों के विच कई तरह के सवाल ने कि इस बॉर्डर एरिया के उत्ते मेन रोड के उत्ते जिथे रोजाना हज़ारा वहीकल जाते हैं, उस जगह के उत्ते जिहड़ी लाश मिलनी किसी ना किसी लोगों के विच कई तरह के सवाल पुलिस ते भी खड़े करन दे कोशिश की है। तो इसनों लैके तैनात पुलिस एस एच ओ ने इस मामले बारे की कहा, तुसीं भी सुनो। भाई अभी पता चला था, ऐसी किसी ने सूचना दी थी पुलिस को कि किसी की डेड बॉडी पड़ी है मुल्लपुर चौक पे, अब इसकी पहचान नहीं हुई है। जो घटनास्थल का निरीक्षण करने से पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति यहीं पे रहता सोता था, खाता पीता था यहीं पे ही, और इसकी मृत्यु का कारणों का भी पता नहीं है, ना ही इसकी पहचान हो पाई है अभी तक। ये अर्धनग्न स्थान में मिली है डेड बॉडी, ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। बॉडी का निरीक्षण कर लिया गया जिसमें कोई चोट के वगैरह के निशान तो है नहीं है, और मृत्यु का कारणों का इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी क्या लगता है सर, मामला ये कोई कत्ल का है या फिर कोई ऐसी ना? ऐसा तो कोई संदिग्ध तो नहीं है ये मामला, ऐसा ही लग रहा है कि भाई जैसे ये शराब स्वरूप पीता हो यहाँ पे, ऐसा संदेह के परे है इसकी मृत्यु का कारण। तो अभी तो अभी 174 CRPC कार्रवाई कर रहे हैं।